नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा खन्ना, आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो है शारदीय नवरात्रि चालू होने वाला है और इस नवरात्रि का बहुत महत्व होता है। जितनी भी महिलाएं हैं इस नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करती है। हर साल ये जो नवरात्रि में बहुत धूमधाम से लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सच्चे भाव से बहुत ज्यादा लोग मानते हैं इस नवरात्रि को। और इस नवरात्रि में हम महिलाओं के लिए ये बहुत महत्व रखता है। और जब महिलाओं को इस बीच में मासिक धर्म की प्रॉब्लम जब फेस करनी पड़ती है तो उनके मन में ये डर बना रहता है कि इस बार हम नवरात्रि में पूजा कर पाएंगे कि नहीं, माँ की सेवा कर पाएंगे कि नहीं। ये बहुत सारी जो परेशानियां हैं जो मन में बनी रहती, विचार आते रहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस समस्या के बावजूद भी आप अपने इस पूजा को कर सकते हैं, आपका पूजा खंडित नहीं होगा और माता की सेवा आप सच्चे दिल से कर पाएंगे। पर इसके लिए आपको वीडियो पूरा वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप माता की सेवा कर सकते हैं बिना अपने व्रत को खंडित किए हुए। फ्रेंड्स, देखिए, हम जो पूजा करते हैं वो दो तरीके से होता है, एक स्थूल पूजा होता है और एक वैचारिक पूजा होता है। वैचारिक पूजा मतलब कि हम मन में, विचार में, अपने विचारों के थ्रू माता की पूजा अर्चना करते हैं। तो देखिए, जब भी हमें पीरियड आता है, मासिक धर्म की जो प्रॉब्लम होती है, उस समय हम माता की जो है स्थूल पूजा नहीं कर सकते हैं, माता को छू नहीं सकते हैं। माता की पूजा में हम जो भी है प्रसाद है, भोग है, वो नहीं बना सकते हैं। किसी प्रकार से हम माता के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम इस समय अशुद्ध माना जाता है। मासिक धर्म आना मतलब महिलाओं को थोड़ा अशुद्ध माना जाता है। तो इस समय आप क्या कर सकते हैं, मन ही मन, विचार में, अपने विचार में, अपने मानसिक रूप से आप मानसिक पूजा कर सकते हैं माता की। मन ही मन में आपको जाप करते रहना है। हाँ, ये है कि आप माता की सेवा पर्सनल नहीं कर सकते, बट दूर से मन ही मन आप भक्ति भाव में लीन हो सकते हैं। देखिए, जब हम घट स्थापना करते हैं ना, तो हम संकल्प लेते हैं कि हाँ, 5 साल हमको माता की सेवा करना है, 5 साल हमको माता के लिए पूरा फास्ट रखना है, सब कुछ करना है। तो इस 5 साल में अगर एक नवरात्र आपका ऐसा हो जाता है तो आप सोचते हैं कि अब ये मेरा खंडित हो गया। पर ऐसा नहीं है, खंडित नहीं होता है। बस फर्क ये है कि आप घट स्थापना किए हैं तो आपको अपना व्रत जरूर करिएगा। बस ये जिस दिन, सपोज अगर फर्स्ट डे घट स्थापना वाले दिन आपका पीरियड आ गया है और उस समय आप क्या करें, तो उस समय आप किसी आचार्य को बुला ले, ब्राह्मण पंडित जी को बुला ले और घट स्थापना करवा ले। अगर नहीं बुला सकते, अगर आपके घर में और भी सदस्य है, जैसे हस्बैंड है, बच्चे बड़े हैं, अगर उन्हें आता है कि घट स्थापना, वो उनको सारी विधि पता है, तो उनके हाथ से करवा सकते हैं। ये है कि आपको उस विधि के में लगे हुए पूजा के सामग्री या प्रसाद में किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं देना है। आपको दूर से ही माता की पूजा अर्चना मन ही मन करते रहना है। बस ये है कि आप दूर से देख सकते हैं, बस उस पूजा एरिया में आपको नहीं जाना है। और देखिए, सपोज जैसे कि आपने घट स्थापना आपने कर लिया और उसके दूसरे तीसरे दिन आ गया पीरियड, तो उस समय आप क्या करें, कंजक आप कैसे बैठाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए भी उपाय ये है कि देखिए, आपने घट स्थापना तो कर ली, पर आपको वही वैचारिक पूजन मन में ही करते रहना है, मन ही मन ध्यान करते रहना है। जो भी आपको श्लोक आता है, जो आता है, वो मन ही मन आपको रटन करते रहना है। और जो हुई कंजक की बात, तो कंजक के लिए भी आपको सहयोग की जरूरत होगी। घर के सदस्य आपके सहयोग करेंगे, घर के सदस्य जो है वो कंजक बैठाएंगे। आपको इसमें किसी भी तरीके से शामिल नहीं होना है, आपको दूर ही रहना है इन सबसे। कंजक को भी आप नहीं पूछ सकते, कंजक को टच नहीं कर सकते आप। हाँ, दूर से उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, बट उन्हें टच नहीं करना है। और जो भी आपको फास्ट, अगर आप फास्ट रख भी रहे हो, जैसे कि पीरियड आ गया है, आप फास्ट रख रहे हो, तो आपको फास्ट का अपना खाना खुद बनाना है, पर वो आप पूजा के लिए प्रसाद नहीं बनाओगे। और घर के और सदस्य जो फास्ट रख रहे हैं, उनके लिए भी आप खाना नहीं बनाओगे, वो अपना खाना अलग से बनाएंगे। क्योंकि आप इस बीच में अशुद्ध हो, तो वो जो प्रसाद, क्योंकि पूजा आपके घर के दूसरे सदस्य कर रहे हैं, तो वो आपके हाथ का फास्ट का खाना नहीं खाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, छोटी छोटी बस बात आप ध्यान रख लीजिए, आपका जो व्रत है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा और माता की पूजा अर्चना भी हो जाएगी और आपका जो संकल्प है वो भी नहीं टूटेगा। अब जैसे कि ये कहा जाता है कि अब इसमें हम कंजक तो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे क्या, तो अब ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब बात आती है, अगर आप अकेले रहते हो उस कंडीशन में हम क्या करें, क्योंकि आप अकेले ही घट बैठाते थे, अकेले ही सब करते थे, उस कंडीशन में क्या करें। तो देखिए, इस कंडीशन में आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा, आपके कोई भी आसपास के लोग हो या कोई आपका रिलेटिव हो,
वो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि देखिए अकेले ये पॉसिबल ही नहीं है। या तो आपको किसी ब्राह्मण को बुलाना होगा घर पे पूजा करने के लिए, क्योंकि आप इस बीच में 9 दिन, आप जो भी 9 दिन में से जो भी 5 दिन आपका निकल रहा है आप माता की सेवा नहीं कर सकते, तो इस तरीके से आपको किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो आप इस बीच में आप अपना जो डेट है उस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, और आप पहले से व्यवस्था करके रखिए कि कोई आपका ये जो आपके बिहाफ में ये पूजा कर दे। और देखिए कहा जाता है कि जो है 14 दिन आपको जो अपने हैं बालों को धो लेना चाहिए, और 5वें दिन से आपको पूजा करना है। ये ध्यान रखिएगा, बाल जिस दिन धोते हैं उसके 5वें दिन से आप पूजा कर सकते हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए माता की पूजा साल भर में एक बार की जाती है, तो इसमें बहुत विधि विधान होते हैं, तो इसमें थोड़ी भी भूल चूक हुई तो ये गलत परिणाम भी हो सकता है। इसलिए ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा है कि जैसे कि इस बार 6 तारीख है, 6 अक्टूबर की शरद नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो अगर आपका मतलब 5 तारीख को चौथा दिन है जिसमें आपने अपने बालों को धो लिया है, तो 5वें दिन मतलब 6 तारीख को आपका 5वां दिन पड़ रहा है, तो उस दिन आप घट स्थापना कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर बीच में होता है और कंजक के समय होता है तब आपको अपने सदस्यों से, घर के सदस्यों से मदद लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें हैं, बस आप ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए और देखिए आपका जो पूजा है सफल होगा बिना किसी रुकावट के, और आप अच्छे से पूजा कर पाएंगी। बस ये है कि आपको इस बीच में माता रानी से दूर रहना है, और स्थूल पूजा ना कर वैचारिक अपनी पूजा करनी है आपको मन ही मन में, और उपवास आपको कंटिन्यू रखना है, उपवास छोड़ना नहीं है, उपवास रखिए, पूजा करिए मन ही मन, और देखिए माता आपसे जरूर प्रसन्न होगी और आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इसका आंसर आपको डेफिनेटली वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कमेंट्स करिएगा। तो ओके, बाय, टेक केयर, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय माता दी।